कल दिया तीन गेंदों पर 3 सिक्स लगाए थे और चौथी गेंद पर कैच आउट होकर पवेल में आए थे, वही दिया ना आज ओपनिंग में गए अपने साथी नवीद के साथ। अजर 11 की तरफ से दो सलामी के बल्लेबाज नवीद और दियान। लैट वन अपनी जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए। स्ट्राइक पड़ेंगे नवीद और नॉन स्ट्राइक पड़ेंगे दियान, दोनों भी एक बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े बल्लेबाज हैं दोनों। बॉलर नेम सऊद जहूर। अपने टीम की जानिब से पहली ओवर लेके आएंगे जहूर। स्ट्राइक पड़ेंगे नवीद और नॉन स्ट्राइक पर दियान। अपने कोटे की पहली ओवर लेके आएंगे जहूर। नवीद को बड़ा हदफ बनाना होगा अपनी टीम को, लास्ट तक के खेलना पड़ेगा अपनी टीम को, टीम के लिए। अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे, अच्छा शॉट गैप में खेला, गेंद गई वहां पर, अच्छी फील्डिंग, 3 रन मिलेंगे इस गेंद पर, 1 गेंद 3 रन। अपने टीम के लिए 1 रन बचाया फील्डर ने। अब दूसरी गेंद लेकर आएंगे जहूर। स्ट्राइक पड़ेंगे दियान। इसके बाद होने वाला राउंड तोराड जहूर विकेट पे पहुंचे, गेंद की अंपायर का चेहरा खराब, गेंद वाइड बॉल, एक्स्ट्रा का रन स्कोर पे पहुंचाए तोराड के प्लेयर, नीचे जाए मत। स्कोर जा पहुंचाए 1 गेंद और 4 रन। गेंदमैन ने 1 गेंद खराब की थी, अंपायर का चेहरा वो गेंद पर वाइड बॉल, वो गेंद वापस डालने पड़ेंगे उनको दूसरी गेंद। दूसरी गेंद लेकर आएंगे जहूर। विकेट पे पहुंचे, गेंद की फिर से एक बार उठा के खेला, गेंद गई 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस बाउंड्री। स्कोर जा पहुंचा 8 रन, 2 गेंदे 8 रन।
बहुत बढ़िया शॉट, ए गेंद सीधा छह रनों के लिए। अंपायर ने अपने हाथ, अंपायर बिलाल ने अपने हाथ फिजा में बुलंद कर दिए। जी हाँ, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी होते हुए भानकोट की तरफ से। ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने कल तीन गेंदों में तीन छक्का ठोके थे, देखना है। स्कोर जहां पहुंचा है 14 रन। अगली गेंद, बढ़िया गेंद, ब्लॉक होल में की हुई गेंद, ग्राउंड शॉट। जब तक फील्डर फील्ड करते, तेज कदमों के साथ सिर्फ एक रन मिलेगा। इसी एक की मदद से स्कोर जहां पहुंचा है 15 रन पे। जोर की चौथी गेंद, खराब गेंद, बढ़िया शॉट, गेंद गई तारामंडल, षटकार। इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी, पांच गेंदे हो चुके हैं। स्कोर तेजी के साथ 21 रन पे जा पहुंचाए इस ओवर की। क्लास गेंद आना बाकी, बढ़िया शॉट, गैप में खेला हुआ शॉट, गेंद गई सीधी सीमा रेशा पर, चौकार। इसी चार की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचाए 25 रन पे, एक ओवर का खात्मा। भरपूर फायदा उठाते हुए भानकोट के प्लेयर पावर प्ले का। अब देखना है दूसरी ओवर। एक ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचा है 25 रन पे। भरपूर फायदा उठाते हुए पावर प्ले का भानकोट अजर 11 की तरफ से। बॉलर नेम दूसरी ओवर लेके आए फैसल कैसर। कैसर की पहली गेंद दियान के लिए, दूसरी ओवर की पहली गेंद, बढ़िया गेंद थी। और यहाँ पे अंपायर का इशारा आउट, और ध्यान को वापस आना पड़ेगा बैक टू द पवेलियन। ध्यान ने चार गेंदे खेले, चार गेंदों में 11 रन बनाए, और डगआउट में आते हुए ध्यान कैसर ने अपने पहली गेंद पे LBW किया दियान को, बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली। अब नए बल्लेबाज गए आसिफ भाई, कैसर गेंद करेंगे आसिफ भाई के लिए, देखना है।
दूसरी गेंद कैसर की आसिफ भाई के लिए, वापस आने वाले बल्लेबाज थे दियान। चार गेंदों में 11 रन का योगदान है दियान का। देखना है अब आसिफ भाई स्ट्राइक पे रह गए, नॉन स्ट्राइक पे रह गए नवीद। और कैसर की दूसरी गेंद, बढ़िया गेंद, उतना बढ़िया शॉट है, फील्डर मौजूद है, देखना है, बढ़िया फील्डिंग वहां पे। जब तक तो लेकिन चार रन मिलेंगे, मिलेंगे चार, तभी तो होगा बेरा पार, बैक टू बैक चौका। इसी के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा 66 रन पे। दो गेंदे हो चुके चौथे ओवर की, अब भी चार गेंदे आना शेष है इस ओवर की। अरबाज है गेंदबाज, आसिफ भाई खेलेंगे अरबाज की गेंदे, बढ़िया खेल रहे हैं आसिफ भाई, दो बैक टू बैक बाउंड्री इस ओवर में। इसे देखे तो आसिफ भाई ने पहली गेंद पे स्कोर जा पहुंचा 66। दो गेंदे अब भी इस ओवर की हो चुकी है, तीसरी गेंद खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, लाइन लेंथ से भटके, ये गेंद फिर से डालना पड़ेगा क्योंकि अंपायर का इशारा वाइड गेंद। स्कोर जा पहुंचा 67। दो गेंदे हो चुकी है, अब भी चार गेंदे आना बाकी इस ओवर की। अगली गेंद फिर से खराब गेंद, लाइन लेंथ मिस होते हुए दो गेंदे हो चुके, स्कोर जा पहुंचा है 68 रन। दो बैक टू बैक वाइड डालते हुए लाइन लेंथ से भटकते हुए गेंदबाज साइड चेंज की है, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, राउंड विकेट से गेंद करेंगे, इस बार खेला हुआ शॉट, फील्डर है मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करते तेज कदमों के साथ सिर्फ एक रन मिलेगा, दो रन बन सकते थे लेकिन नवीद ने रुकाया है। स्कोर जा पहुंचा 69 पे, तीन गेंदे हो चुकी है, अब भी तीन गेंदे आना बाकी इस ओवर की। इस इनिंग की तीन गेंदे आना बाकी, अरबाज हमसे दूर भागते हुए अंपायर को पार किया, विकेटों पर पहुंचे, गेंद की बढ़िया शॉट, उठा के खेला हुआ शॉट, देखना है अंपायर का इशारा, छह रन, जी हाँ षटकार, ये नवीद के बैट से निकलता हुआ षटकार, इसी छह की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 75 पे। अगली गेंद लोकल में की थी गेंद, कैच का मौका था लेकिन विकेट कीपर नहीं समझ पाए कैच को, और तेज कदमों के साथ एक रन मुकम्मल, इसे एक की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 76 रन पे। बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई हाजिर, एक लास्ट गेंद आना बाकी अरबाज के द्वारा, और इस इनिंग की लास्ट गेंद देखना है, फेस करेंगे आसिफ भाई हमसे दूर भागते हुए, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पर पहुंचे, फिर से अंपायर ने वाइट करार दिया, ये गेंद फिर से डालनी पड़ेगी, अपने लाइन लेंथ से चुकते हुए इस ओवर में काफी महंगे साबित होते हुए ये गेंदबाज, तीन गेंदे अब तक एक्स्ट्रा के फेंके अरबाज ने, एक लास्ट गेंद है उसको देखना है, वापस एक बार अंपायर ने अपने बाएं फैलाए, वाइड के रूप में एक रन मिलेगा इसी एक की मदद से, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 78 रन पे। 78 हुआ है, लास्ट गेंद अब भी आना बाकी इस ओवर की, इस इनिंग की, देखना है, बढ़िया गेंद, समझ ना सके विकेट कीपर, समझ ना सके तेज कदमों के साथ एक रन मुकम्मल, फील्डिंग मिस की है, और देखना है कितने रन चुराए इस गेंद पे, तीन रन चुराए, लेग बाय की सूरत में ये तीन रन मिलेंगे इसी तीन की मदद से, स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचाए 82 रन पे। सॉरी 81 रन बनाए, 82 का टारगेट रखा है।
अजर 11 पानकोट ने बढ़िया बल्लेबाजी की जिसमें वन लॉस 81 रन बनाए, 82 का टारगेट रखा है, देखना है 82 टारगेट चेस कर पाते हैं क्या। एक बड़ा हदफ रखा है 82 का। पानकोट ने अपना एक ही विकेट गवाया था, वो दियान के रूप में एक विकेट गवाया था। दियान ने 4 गेंदे खेले थे, 11 रन बनाए थे। अजर 11 की तरफ से गेंद करेंगे लाटवन के लिए, जहाराना गेंदबाज। देखना है सेकेंड इनिंग में पहली ओवर अजर 11 की तरफ से कौन लेके आता है।
आजादी इलेवन की तरफ से पहली ओवर लेके आली। राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे आली। पहली गेंद उठा के खेला है फील्डर है गेंद के नीचे जी आसान से लपक लिया है कैच पहले ही गेंद पर। जरूर को लौटना होगा पहली गेंद की तरफ। बहुत बढ़िया गेंद की थी आली ने। अब जरूर को डगआउट की जगह संभालनी पड़ेगी। अब जरूर की जगह संभालने के लिए इरफान। अजर इलेवन ने जी हाँ बॉलिंग का जिम्मेदारी संभाल ली थी अली नारकर ने जो जिसमें पहली गेंद में विकेट लेने में महारत रखे अली नारकर ने। देखना है दूसरी गेंद कैसी करते अजर इलेवन की तरफ से अली नारकर। अब अली इरफान को पहले ही गेंद पर कवर के ऊपर से खेला है जी अवन बॉक्स के साथ। गेंद जाएंगी बाउंड्री लाइन के बाहर मिलेंगे चार तभी तो होगा बेड़ा पार। बेहतरीन शॉट इरफान का पहले ही गेंद पर। दूसरी गेंद पर लाटवन के बल्लेबाज ने वापसी की है फिर एक बार। अब तीसरी गेंद अली राइट आर्म राउंड के गेंदबाजी करेंगे इस बार फिर एक बार पॉइंट गली के क्षेत्र से खेला था। एक रन आसान से मिलेगा और एक रन से संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। तीन गेंदे हो चुकी है रुका हुआ स्कोर 5 रन पे। अगली गेंद बढ़िया गेंद समझ न सके बीट करते हुए बल्लेबाज को फिर से एक बार डॉट गेंद। चार गेंदे 5 रन हो चुके फिर एक बार अली राइट आर्म राउंड से गेंदबाजी करेंगे फिर एक बार उससे उनके बाहर रखने की कोशिश। अंपायर से अपील करते हुए बल्लेबाज व्हाइट की अंपायर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। अली बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। फिर एक बार अली राइट आर्म राउंड से गेंदबाजी करेंगे इस बार पॉइंट्स के दिशा से खेला है जी हाँ। बल गेंद के पीछे दो दो फील्डर भाग रहे हैं जी हाँ और एक गेंद जाती है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट एक ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचाए 9 रन पे। लॉस ऑफ 1 विकेट। एक हार्ट हिटर बल्लेबाज को पवेलियन में भेजा था अली नारकर ने। अब अजहर इलेवन की तरफ से दूसरी ओवर के शहबाज उतारी पहली मरतबा गेंद करेंगे इरफान को। एटम और देकर चिकनबाजी करने का फैसला लिया है। देखते हैं पहली मरतबा गेंद करेंगे इरफान को शहबाज। एटम और देकर चिकनबाजी करने का फैसला किया है जी आपने सुन के अंपायर को पार किया विकेट पहुंचे गेंद की या फुल टॉस लाइन की गेंद पुल किया है जी हाँ। इस गेंद पर देखते हैं कितने रहते हैं गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक बॉल 13 रन हो चुका है अभी तक। बढ़िया बल्लेबाजी की है लाटवन के बल्लेबाजों ने। एक विकेट गया है लेकिन अब तक बड़े बड़े हिट लगाने में कामयाब हुए हैं लाटवन के बल्लेबाज। फिर एक बार शहबाज राइट आर्म और दो विकेट से गेंदबाजी करेंगे इरफान को। इस बार
यॉर्कलैंड की गेंद जी हाँ फील्ड जोर से हुई है लेकिन अंपायर के ऊपर कोई दबाव नहीं। दो गेंदे हो चुकी है, रुका हुआ स्कोर 13 रन पे। तीसरी गेंद करेंगे शहबाज। इरफान इरफान के लिए तीसरी गेंद करेंगे शहबाज। बढ़िया गेंद, समझ न सके, डॉट गेंद, बिंदी गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद पे भी। रुका हुआ स्कोर 13 रन पे। तीन गेंदे हो चुकी है, इस बार पॉइंट्स के ऊपर से खेला है जी। फील्डर है गेंद के नीचे और लपक लिया है कैच, बेहतरीन वापसी शहबाज की और एक बड़ा विकेट। इरफान को लौटना होगा डग आउट की तरफ, एक बड़ी वापसी शहबाज की। अब इरफान की जगह संभालने के लिए अरबाज। चार गेंदे 13 रन हो चुके, लॉस ऑफ 2 विकेट। अभी तक बानकोट के गेंदबाज बहुत अच्छे साबित हुए हैं गेंदबाजी में। अब देखते हैं 5 विकेट लेके शहबाज पहली मरतबा गेंद करेंगे अरबाज को राइट आर्म ओवर विकेट से। अपना रन शुरू किया शहबाज ने, विकेट पहुंचे, गेंद की जी हाँ इस बार स्लोअर लाइन की गेंद, वाइड ओवर का डालने का प्रयास किया था जी हाँ, बल्लेबाज समझ ना पाए, सीधा कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। लाटन की टीम को जीतना होगा तो 82 रन बनाने होंगे। इस बार फिर एक बार ओवर का लाइन का गेंद, इस बार फील्डर है मौजूद, 1 रन मिलेगा आसानी से। 2 ओवर के इंतजाम पर 14 रन। अब देखते हैं अजहर इलेवन की तरफ से तीसरी ओवर के कौन आते। अब अजहर इलेवन के कप्तान ने सुहेल पे भरोसा किया है, अब सुहेल आएंगे गेंदबाजी के लिए राइट आर्म ओवर देकर से गेंदबाजी करेंगे अरबाज को। पहली मरतबा गेंद करेंगे सुहेल राइट आर्म ओवर द विकेट से अरबाज को। अपने रन शुरू किया, अंपायर को पार किया, विकेट पहुंचे गेंद की, इस बार शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, फर्स्ट बाउंस बॉलर सुहेल को दिया गया है। पहली गेंद बिटू दी, सीधा कीपर का दस्तान में गेंद जाती हुई। एक ऊंचे कद की गेंदबाज और बढ़िया रन था इनका भी। फिर एक बार सुहेल गेंद करेंगे अरबाज को, फिर एक बार बीटे थे बल्लेबाज, बल्लेबाज को कोई इस गेंद समझ नहीं आ रही है, गेंद सुहेल किस तरीके की गेंद कर रहे हैं। सुहेल अंदर आने में महारत रखते हैं, फिर एक बार वही सुहेल तीसरी गेंद करेंगे अरबाज को राइट आर्म ओवर देकर गेंदबाजी करेंगे सुहेल। फिर एक बार गेंद की, इस बार थोड़ी दिशा से भटके, अंपायर का इशारा वाइड। इसी के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 15 रन पे। 2 गेंदे हो चुके हैं, इस ओवर की तीसरी गेंद करेंगे सुहेल। हमसे दूर भागते हुए विकेटों पर पहुंचे, गेंद की बढ़िया गेंद, ग्राउंड शॉट खेला हुआ शॉट, देखना है कितने रन मिलते हैं इस गेंद पे। जब तक फील्डर फील्ड करते, जी हाँ 1 रन मिलेगा इस 1 रन की मदद से। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 16 रन। बढ़िया गेंदबाजी सुहेल द्वारा। अगली गेंद सुहेल की, बढ़िया गेंद, कट किया हुआ शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हल्का सा कट लेके बल्ले का गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचाए 20 रन। अब भी 2 गेंद आना बाकी इस ओवर की, एक्स्ट्रा ना फेंके तो सुहेल। हमसे दूर भागते हुए विकेटों पर पहुंचे, गेंद की बढ़िया गेंद, उतना बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद है, देखना है कितने रन बचत, लेकिन खराब फील्डिंग,
गेंद गई सीधी 4 रनों के लिए। इसी 4 की मदद से स्कोर जा पहुंचाए 24 रन पे। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, एक लास्ट गेंद आना बाकी। सुहेल और वहां पे दियान की खराब फील्डिंग की वजह से 4 रन मिले। अगली गेंद इस ओवर की लास्ट गेंद फेंके गए सुहेल, बढ़िया गेंद, ग्राउंड शॉट खेला हुआ शॉट, 1 बाउंस सीधा फील्डर के हाथ में। जब तक फील्डर फील्ड करते तेज कदमों के साथ 1 ही रन मिलेगा। इसी 1 की मदद से स्कोर में बढ़ोतरी, 3 ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचाए 25 रन पे। अब चौथी ओवर लेके आए आसिफ मुकादम। अब जीत के लिए 57 रन, 1 ओवर बाकी है आपके पास। आसिफ मुकादम है गेंदबाज, चौथी गेंदबाज है आसिफ मुकादम। पहली गेंद आसिफ मुकादम की खराब गेंद, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, ये गेंद फिर से डालना पड़ेगा। लाइन लेन से भटके, अंपायर का इशारा वाइड गेंद। फिर से एक बार हमसे दौड़ भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पर पहुंचे गेंद की, बढ़िया गेंद, उतना बढ़िया शॉट। फील्डर, दो फील्डर बॉल के पीछे भागते हुए, लेकिन कोई फायदा नहीं, गेंद सीधी गई 4 रनों के लिए। इसी 4 की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 29 रन पे। अब भी 5 गेंदें आना बाकी इस ओवर की। आसिफ भाई फिर से एक बार गेंदबाजी करेंगे सामने बल्लेबाज, इस बार बल्ले की हल्की सी एज लेकर गेंद गई स्लिप की तरफ, 1 रन मिला रनिंग बिटवीन द विकेट, दौड़कर इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 30 रन। एक बड़ा हदफ खड़ा किया था बानकोट ने 82 का जिसको चेस करने में लगभग पूरी तरह से नाकाम लाटवन। इस बार क्या खूबसूरत शॉट खेला था, शायद मेरे ही माइक हाथ में लेने का इंतजार था और विकेट। हालांकि गेंद पर बल्ले पर गेंद ही नहीं आ रही थी, जैसे ही मैंने माइक लिया वैसे नया बैट्समैन बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम सऊद सऊद के लिए आसिफ भाई गेंदबाजी करेंगे। और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया है सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद जा रही है 1 बाउंस लॉन्ग ऑफ के प्लेयर के हाथों में, 1 रन मिला। इसी बीच 1 रन की मदद से टीम का स्कोर हुआ 31 रन। इस ओवर की 2 गेंदें आना बाकी, अगर एक्स्ट्रा न फेंके गेंदबाज तो 30 रन हुए, आखिरी 2 गेंदें आना बाकी। और इस बार क्या खूबसूरत उठाया, अच्छा टाइमिंग, अच्छा पावर गेंद में झोंक दिया और गेंद को पहुंचा दिया सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये शॉट बहुत लेट हो आने लगे हैं, ये शॉट बहुत जल्दी आनी चाहिए थी क्योंकि 82 रन का टारगेट था, बहुत बड़ा हदफ खड़ा किया था बानकोट ने, बहुत लेट आए। फिर से एक बार आसिफ भाई
इस बार खराब सॉरी अच्छी गेंद बिंदी गेंद कोई रन नहीं मिला और इसी के साथ ही मैच जीत लिया आजाद इलेवन बानकोट ने अजहर इलेवन बानकोट सॉरी। इसके बाद होने वाला राउंड दुतरोली वर्सेस तोराडी। जल्द से जल्द दोनों कैप्टन एंट्री बॉक्स में आके टॉस करा ले। दुतरोली वर्सेस तोराडी। मुनव्वर खान साहब साखरकर इनके मुबारक हाथों से इस मैच का टॉस होगा। दुतरोली वर्सेस तोराडी। दोनों टीम के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में आके टॉस करा ले। दुतरोली वर्सेस तोराडी। चार ओवर का मैच होगा।